पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर सरकार और जिला प्रशासन दावे तो करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर ये दावे खोखले साबित नजर आ रहे हैं और लगातार पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है। आज का ताजा मामला हरियाणा के करनाल और गुरुग्राम का है, जहां पर पत्रकारों को निशाना बनाया गया। गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में दिन दहाड़े एक पत्रकार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई। पुलिस की माने तो वारदात करीब 1:15 बजे की है, जिसमें एक पत्रकार की कार को ओवरटेक कर कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसी की रिवॉल्वर से उसकी हत्या कर दी। वहीं दूसरी ओर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जहां कवरेज करने आए पत्रकारों के साथ हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टरों ने न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि पत्रकारों के कैमरे भी तोड़ डाले। इन दोनों घटनाओं की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे दोनों संवाददाता, गुरुग्राम से मोहित और करनाल से राकेश शर्मा। आइए जानते हैं इनसे कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। मोहित, गुरुग्राम के पत्रकार की हत्या का जो मामला आज सामने आया है, इसके बारे में बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए जी, ये जो मामला था, जो आज 1:15 बजे जो घटना पत्रकार के साथ हुई है, जिसकी जो हत्या की गई है, ये सुरेंद्र राणा नाम का एक पत्रकार था जो JK 24/7 न्यूज में काम करता था, जिसके साथ जो कि सिविल लाइन एरिया के अंदर एक शराब के ठेके के बाहर पहुंचा था, उसमें कुछ काम था, वहां निकला हुआ था। तो वहां जाने के बाद कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश करी, और जब उनकी ओवरटेक करने पर पत्रकार ने उनका विरोध किया तो उनकी आपस में कहासुनी हो गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि पत्रकार की ही जो सर्विस रिवॉल्वर थी उसे निकालकर और उसी को ही उल्टा शूट कर दिया। पत्रकार ने जब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए रिवॉल्वर निकाला तो उसने चारों ने उसे छीन कर उसको उल्टा 5 गोलियां मारी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जी, जिस इलाके में ये घटना घटी वहां का एरिया किस तरह का है, वहां पे आसपास में क्या कोई लोग नहीं थे जो इस घटना को देख रहे होते या उन्होंने इसका विरोध किया होता? सर देखिए, इस पूरे मामले के अंदर जो एरिया आप बता रहे हैं, वो एरिया जो है काफी भीड़भाड़ वाला एरिया था, और जो जहां पर इसको गोली मारी है वो मेन बाजार का एक रास्ता था जहां पर काफी लोग होते हैं। पर ऐसी घटना के दौरान क्या है कि लोग सिर्फ देखते रहते हैं, कोई बीच में नहीं आता है, क्योंकि उनके हाथ में हथियार थे, इस वजह से लोग सिर्फ दूर से देखते हैं। जब वो मारकर वहां से चले गए तो इसमें इस घटना के अंदर सबसे बड़ी बात ये थी कि किसी व्यक्ति ने उनकी गाड़ी का नंबर भी नोट नहीं किया है, उनकी सेंट्रो कार का। तो लोगों की तो बात ही अलग है, कोई साथ देकर नहीं होता है इसके अंदर। जी जी राकेश जी, करनाल में आज जो पत्रकारों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, इसके बारे में बताएं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। जी राम कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टरों का जो गुंडागर्दी का मामला करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, ये मामला एक नहीं है। इससे पहले इनका भ्रष्टाचारी का मामला, लूट खसोट का मामला, और इसको कह सकते हैं कि कमीशन खोरी का मामला बढ़ता ही जा रहा है, और आज तो जो कहते हैं कि सीमाओं की इन्होंने हदें ही पार करते हुए कि गुंडागर्दी जो है पत्रकारों के साथ की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी मरीज को देखने में डॉक्टर के साथ जो है कोई नोकझोंक होगी, और इसकी भनक जो है करनाल के जो कुछ पत्रकारों को लगी, और वो कवरेज करने के लिए जब करनाल के कल्पना चावला हॉस्पिटल में पहुंचे तो जैसे ही इमरजेंसी में अंदर वो कवरेज की करने के लिए अंदर गए तो वहां के डॉक्टरों ने उनके कैमरे जो है छीन लिए और उनको जमीन पर पटक पटक कर जो है कैमरे को तोड़ डाला, और इसके साथ कॉलर पकड़कर घसीटते हुए, इसके साथ डॉक्टरों के साथ जो है हॉस्पिटल के कुछ स्टाफ के लोग भी थे जो घसीटते हुए पत्रकारों को बाहर लेकर आए और उनके साथ मारपीट भी की। जी मोहित, पुलिस प्रशासन की ओर से अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है, क्या हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी तरह की कोई गिरफ्तारी की है या कोई सुराग लगा है? अभी तो इस मामले के अंदर सुराग हाथ लगा नहीं है, पर जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने आईपीसी 302 और 34 आईपीसी आर्म एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है उन हमलावरों के खिलाफ। और जो सुरेंद्र राणा की जो वाइफ थी, इन्होंने 4 बेनामी बदमाशों के नाम पर मामला दर्ज कराया, मतलब जिनके ऊपर इनका शक था उनके ऊपर इन्होंने मामला दर्ज करने की कोशिश की है। पुलिस को इन्फॉर्मेशन भी दी है कि शायद वो 4 लोग हो सकते हैं, तो उस चीज को लेकर पुलिस अभी जांच में जुटी है और ढूंढ रही है उन लोगों को। जी, तो क्या ये माना जाए कि ये मामला पुरानी रंजिश का है? नहीं, देखिए इसके अंदर पुलिस से जो बात हुई है पत्रकारों की, उसमें पुलिस ने साफ क्लियर ये बात कही है कि अभी इस चीज को किसी से जोड़ के नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ओवरटेक करने, क्योंकि रोडरेज का मामला इसको पुलिस डिपार्टमेंट जो ले रहा है कि रोड पे इनकी आपस में लड़ाई हुई है, उसके बाद ऑन द स्पॉट इन्होंने एक दूसरे को मतलब कि उसके ऊपर गोली चला दी सुरेंद्र राणा के ऊपर।
तो इसका पुरानी रंजिश से तो अभी फिलहाल पुलिस नहीं जोड़ रही, बाकी पुलिस जांच में जुटी हुई है और पुलिस का कहना है कि बहुत जल्द इस चीज का खुलासा भी हम कर देंगे कि ये मामला रोडरेज का था या फिर पुरानी रंजिश का था। जी मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। राकेश शर्मा जी, आज कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमला किया गया और वहां पर पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मी पहुंचे, तो क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस पूरे मामले का? जी मैं रामकुमार जी आपको बताना चाहूंगा कि जब ये मामला हुआ इसके बाद पुलिस को भी इसकी इन्फॉर्मेशन जब मिल गई तो इसके साथ ही जो डीएसपी शकुंतला अपने पुलिस दल बल के साथ वहां पर पहुंची और वहां पर जाके पूरे मामले की जो जानकारी ली, पत्रकारों ने इसका मुद्दा उठाया है कि यहां पर जो लगे हुए सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनकी फुटेजों को खंगाला जाए। तो मैं आपको बता दूं कि जब ये लगातार मामला की छानबीन होती रही और करीबन चार घंटे पांच घंटे तक पत्रकार और कुछ वहां के डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर और इवन तक वहां के डायरेक्टर भी बीच में शामिल हुए और वहां पर जब बात बीच में निकल के सामने आई वो ये थी कि 7 बजे से लेकर 11 बजे तक की फुटेज को है डिलीट कर दिया गया था। तो उसके साथ साथ जब ये पुलिस बीच में ये सारी बातचीत हो रही थी इसमें राजनीतिक लोग भी बीच में कुछ शामिल हुए और कुछ अहदेदार बड़े लोग और वरिष्ठ पत्रकार भी शामिल हुए। उसके बीच में इस बात की भी चर्चा हुई कि जो डॉक्टर लोग अंदर बैठ के पार्टी कुछ कर रहे थे और जिसके बाद में ये भी बात सामने निकल के आ रही थी कि उन्होंने ड्रिंक कर रखी थी और इस मामले को लेकर जो है ज्यादा पत्रकार लोग इसकी इस चीज की डिमांड कर रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज जो है खंगाली है। बट उसके बाद जो है ये पता लग गया कि सीसीटीवी फुटेज डिलीट होगी तो पत्रकारों में बहुत ज्यादा जो है रोष था इस चीज को लेकर और वैसे लिखित रूप में शिकायत जो है इसकी पुलिस प्रशासन को डीएसपी शकुंतला देवी को दे दी गई है, आगे की कार्यवाही आगे की जारी है। जी जी शुक्रिया राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं उन्हें निशाना बनाया जाता है ये सरासर गलत है, प्रशासन को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, इसके बाद ही पत्रकार निष्पक्ष पत्रकारिता कर पाएंगे।